श्री राम समर्थ जुलाई 7। बालक बनकर भगवान के समीप जाए, इस संसार में कर्म किए बिना कौन होता है, किंतु कर्म यथाविधि संपन्न नहीं होता। उसका कारण यह है कि हम कर्म क्यों कर रहे हैं इसका हमें भान नहीं होता। अधिष्ठान के बिना कर्म सिद्ध नहीं होता। मालिक के आधार हो तो कर्म करने वाले को जोश आता है। कुछ अच्छे कर्म मार्गी लोग भक्ति मार्गी लोगों को दोष देते हैं। जो भक्ति भाव में रत रहता है वह किसी को दोष नहीं देता। मैं कौन हूँ यह समझने के लिए ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। वैसे ही ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहने पर भी उसका अनुभव प्राप्त होने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। उपासना भगवान को जानकर करे। छोटा बच्चा माँ के मुंह की तरफ देखते हुए चुपचाप दूध पीता है। उसी तरह समर्थ रामदास जैसे महापुरुषों ने जो कहा है वह हम चुपचाप करे। आंखें मूंद कर जितना काम होगा, अंधश्रद्धा से जो होगा वह आत्मविश्वास से ज्ञान के नेत्र खुले रखकर अर्थात ज्ञान का प्रयत्न करके भी नहीं होगा। बालक बनकर ही भगवान को पहचाने। इसमें एक ही बाधा होती है, वह है हमारी विद्वत्ता। भक्त बालकों की तरह बर्ताव करते हैं, इसलिए भगवान उनसे प्यार करते हैं। कोई ऐसा कहेगा कि जब हमारा और उसका परिचय ही नहीं है तो उसकी पूजा कैसी करे, उसको पहचानने के सिवाय उसका भजन ही नहीं करूंगा। ऐसा सोचना पागलपन ही है। भगवान को अनेक मार्गों से जाना जा सकता है। भगवान की ओर जाने के लिए मार्ग पर पहले अग्रसर होना जरूरी है। संतों ने अखंड जागृत रहने का मार्ग बताया है। देह से गृहस्थी करो किंतु मन भगवान के प्रति समर्पित करो। मन जब तक भगवान के प्रति स्थिर नहीं होता तब तक आप चाहे जो प्रयत्न करें उसका कोई उपयोग नहीं होगा। ध्येय यदि सत्य नहीं हो तो चित्त की स्थिरता नहीं होगी, किंतु जो ध्येय सत्य है उस पर पूर्ण श्रद्धा चाहिए। भगवान मेरे हैं ऐसा कहने के बजाय मैं भगवान का हूँ ऐसा कहे तो श्रद्धा उत्पन्न होती है। समुद्र की लहर होती है, लहर का समुद्र नहीं होता। साधना में निश्चितता हो तो संतोष होता है, इसलिए साधन श्रद्धा से करे। जैसी श्रद्धा वैसे फल। हम भगवान के स्मरण में निर्भर रहे, गृहस्थी में कभी धीरज न छोड़े। जिस प्रकार चींटियां की रानी को उसकी जगह से हटाए कि उसके साथ रहने वाली हजारों चींटियां उसके पीछे गायब हो जाती है, वैसे ही एक देह बुद्धि को हटा दे तो हमारे मन में उठने वाले हजारों संकल्प गायब हो जाएंगे। इस देह बुद्धि के परे जाने के बाद जो ज्ञान होता है उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। ऐसा आत्मज्ञान होने पर जो पूर्ण संतोष होता है वही भगवान का यथार्थ दर्शन होता है। आज का मुख्य विचार, भक्ति मार्ग यह प्रेम मार्ग है। गृहस्थी का प्रेम भगवान के लिए हो जाए तो भक्ति हो सकती है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।